एक्सेलशियर न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से यानी कि रितेश गुप्ता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, दीपावली पर्व की बात करें तो खुशियों का पर्व है और इसे खुशियों के साथ ही हम सब मनाते हैं, जिसकी तैयारियां जो है पहले से ही शुरू हो जाती हैं। दीपावली पर्व की बात करें तो जिस तरह से हम गिफ्ट्स का एक्सचेंज करते हैं, क्रैकर्स की बात करें तो क्रैकर्स के बिना जो है ये त्यौहार अधूरा माना जाता है। और असमंजस की स्थिति ये है कि कुछ लोग जो है इसे सेलिब्रेट आज कर रहे हैं और कुछ जो है कल यानी कि 1 नवंबर को करेंगे, लेकिन त्यौहारों की तैयारियों की बात करें तो तैयारियों पर जो है लोग पिछले काफ़ी दिनों से जुटे हुए हैं। और बच्चों की खास बात करें तो बच्चे जो है क्रैकर्स खरीदने के लिए क्रैकर मार्केट में जो है वो नज़र आ रहे हैं। आए जाने की कोशिश करते हैं कि इस त्यौहार को लेकर हमारे जम्मूवासी क्या कहना चाहते हैं। बच्चे जो है काफ़ी इंजॉय करते हैं फेस्टिवल्स को लेकर, आइए जाने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मयन शर्मा है। तो दीपावली का त्यौहार है, क्या कहना चाहते हैं इस त्यौहार को लेकर? इस दिन हम क्रैकर्स जलाते हैं, हमने घर को डेकोरेट करते हैं, रंगोली बनाते हैं और भी चीज़ें करते हैं। तो क्रैकर्स जो है क्या जलाने चाहिए? जलाने तो चाहिए पर थोड़े कम जलाने चाहिए। तो इस वक्त जो है आप मार्केट में हैं, क्या क्या लेने आए हैं आप? हम ऐसे क्रैकर्स लेने आए लाइक फुलझड़ी, अनार, चक्री और भी थोड़े से बम लेने आए हैं, रॉकेट जैसे कि वैसे। तो मज़ा आ रहा है आपको? हाँ। आपका नाम क्या है? हर्षिता। हर्षिता, दीपावली का त्यौहार है, क्यों मनाते हम? क्योंकि इस दिन राम भगवान अयोध्या लौटे थे और हम खुशियाँ मनाने के लिए ये सारे त्यौहार मनाते हैं। तो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं हम दिवाली? क्रैकर्स जला के और बहुत सारे पूजा एंड गिफ्ट्स भी मिलते हैं। हाँ जी, और भी बहुत सारे एंजॉय करके। तो आप क्या परचेज कर रही हैं, कौन से क्रैकर्स आपने लिए हैं, क्या ले रही हैं? बहुत सारे लिए हैं। कैसे, कौन कौन से लिए हैं? अनार लिया है, अनार लिया है, फुलझड़ियाँ ली हैं, छुरछुरियाँ ली हैं, पेंसिल ली हैं और चक्री ली है और भी बहुत सारा कुछ लिया है। तो दीपावली पे आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं? हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। मेरा नाम शशि है। तो शशि जी, दीपावली का पर्व है और काफ़ी समय से जो है तैयारियां की जा रही हैं, किस तरह की तैयारियां कर रही हैं दीपावली पर्व को लेकर? देखो, सबसे पहले ये तो है कि दिवाली जो है वो इको फ्रेंडली बनानी चाहिए और दिवाली जो है वो हमारा मेन फेस्टिवल है, तो हमें आपस में भाईचारा रख के खुशियों से मनाना चाहिए। आपस में मतलब की मिठाई वगैरह जो है वो बांटनी वगैरह चाहिए और शाम को रंगोली लक्ष्मी पूजा के साथ जो है इसको जो है एंड अप करना चाहिए, लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए और एक हेल्दी मैसेज देना चाहिए समाज में कि सारा जो है वो और प्रोग्रेस की तरफ जो है वो ध्यान दे और बच्चों के साथ, बच्चों के लिए ये रिक्वेस्ट है कि वो सेफ्टी के साथ दिवाली जो है वो मनाएं। क्रैकर्स की पर्टिकुलर बात करें तो इस वक्त आप क्रैकर्स की मार्केट में हैं, क्या क्या आपको नई चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्या क्या परचेज कर रही हैं? नहीं, चीज़ें तो वही हैं, छुरछुरी वगैरह ये है कि बस प्रोडक्ट्स वही हैं, उसमें थोड़ी सी एनहांसमेंट वगैरह चेंजेस जो है वो आ जाती हैं। तो अभी हमने छुरछुरी वगैरह ली है, अनार वगैरह, छुटपुट बच्चों के लिए जो बम है वो परचेज किए। चलिए मैम, आपसे बात करते हैं, आपका नाम? परलीन कौर। तो जिस तरह से दीपावली का त्यौहार है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? अभी तो हम क्रैकर्स लेने आए हैं बिकॉज दिवाली इज इनकम्प्लीट विदाउट क्रैकर्स। काफ़ी दिनों से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, लाइटिंग्स लगाई हुई है, अभी कल दियाज खरीदे थे एंड रिलेटिव्स के घर जा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं।
और जिस तरह से खुशियों का त्यौहार है, इस त्यौहार पर जो है सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, तो हमें किस किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, बिकॉज सेफ्टी, इफ़ यू आर बर्निंग क्रैकर्स यू नीड टू बी सेफ, एंड स्पेशली जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको अपनी एज के हिसाब से क्रैकर्स देने चाहिए। मोर ओवर सेफ्टी के साथ साथ हमें इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखना चाहिए, लाइक इको फ्रेंडली क्रैकर्स आए हैं एंड इस बार काफ़ी क्रैकर्स आए हैं जो बच्चों के लिए भी होते हैं विच आर सेफ फॉर देम, सो इसलिए ज़्यादा सेफ्टी भी रहेगी। सर देखिए, दीपावली हमें साल के बाद एक बार आती है, इसमें हम अपने जो नियर एंड डियर्स हैं सबको गिफ्ट जो भी मतलब खुशियां बांटते हैं, लेकिन जब तक हम क्रैकर नहीं ना फोड़ेंगे तब तक ये हम बिल्कुल अधूरा मानेंगे। तब तक मतलब ना दो बच्चे सुबह से छोड़ेंगे नहीं, उनको कुछ आप लेके दो या ना दो, लेकिन क्रैकर उनके लिए ज़रूर लाने हैं। इसलिए सुबह से चार दिन से पड़े हैं पीछे, आज मैं सुबह से निकला हूँ कोई लाइट्स के लिए, क्रैकर्स के लिए, मिठाई के लिए, आज पूरा दिन यही, लेकिन शाम को दिवाली हम इसी से पूरी मानेंगे, जब हम क्रैकर फोड़ेंगे पूजा करके फिर हम मानेंगे कि आज हमने दिवाली मनाई है। सर दीपावली का त्यौहार है और क्रैकर्स के बिना ये त्यौहार अधूरा माना जाता है, इस बार मार्केट में क्या क्या नई चीज़ें हैं? इस टाइम काफ़ी चीज़ें अच्छी आई हैं, इस बार ये शॉर्ट्स आए हैं, ये हमारे पास ये 333 शॉर्ट्स हैं और ये आइटम इतनी प्यारी है, ये हाथ पे पकड़ के आप चला सकते हो। वैसे जो बड़ा शॉर्ट्स है वो आपको हाथ में चलाने है, रिस्क भी रहता है उसका, इसमें ये रिस्क कोई नहीं और बहुत अच्छी आइटम है ये, इसमें हमारे ये बहुत बिक्री हो रही है इस टाइम। और इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास? सारी कंपनियों के हैं, कॉक के हैं, वेडिबल के हैं, सुप्रीम वगैरह सारा हमारे पास स्टॉक है, जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा कोई, और अच्छे डिस्काउंट पे यहाँ पे मिल रहा है, हमारे पास सारा है, हर एक आइटम छोटी से लेके बड़ी आइटम तक अच्छी सारी। और रिस्पांस की बात करें किस तरह का, अच्छा पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस अच्छा है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। दीपावली खुशियों का त्यौहार है और इसका स्वागत भी खुशियों के साथ करना चाहिए, और साथ ही साथ में जो है सेफ्टी जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसका हमें भरपूर ख्याल रखना चाहिए और अपने वातावरण का भी विशेष प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। ये त्यौहार जो है हम सबके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, इसी कामना के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।